वर्ल्ड कप का और ज्यादातर दिन बाकी नहीं है, तो इसी की वजह से इस चैनल पर आज से वर्ल्ड कप का वीडियो देना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मिडिल में वर्ल्ड कप रिलेटेड वीडियो आने ही वाला है। हमारा इंडियन टीम खेलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और वो तो भाई पहुंच भी चुका है इंडियन टीम, लेकिन इंडियन स्क्वाड में जो रिसेंट टाइम में दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है ना, वो है गेंदबाजी को लेकर। क्योंकि तेज गेंदबाजी को लेकर जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है रिसेंट टाइम में, वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। कि ऑस्ट्रेलिया में देखो डेफिनेटली पिचेस हो सकता है, और वहीं पर अगर हमारा इंडियन टीम का बेस्ट पेस ऑप्शन ना जाए ना, तो उस जगह पर हमारा इंडियन टीम का ही नुकसान है जो कि हमें झेलना पड़ सकता है। लेकिन हम भी ना ठीक ठाक कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमारा इंडियन मैनेजमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कवर अप करने का कोशिश कर रहा है। तो उस जगह पर हमारा इंडियन टीम में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पेस बॉलिंग अटैक में, वो आप सबसे पहले जान लो, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन स्क्वाड रिलीज हुआ था ना, वहां पर हमारा फर्स्ट चॉइस स्क्वाड में जो पेस बॉलर था वो कौन कौन था, जसप्रीत बुमराह फर्स्ट चॉइस, उसके बाद वर्षे कुमार, उसके बाद हर्षल पटेल, और उसके बाद अर्शदीप सिंह। तो ये चार था बेस्ट चॉइस पेस बॉलिंग ऑप्शन। उसके साथ अगर मैं हार्दिक पांड्या को कंसीडर करूं तो वो तो ऑलराउंडर है, वो खेलेगा ही, लेकिन स्टैंड बाय के रूप में रखा गया था मोहम्मद शमी के साथ दीपक चाहर को भी। लेकिन वहां पर आता है प्रॉब्लम, जब स्क्वाड घोषणा हो जाता है उसके बाद ही ना बुमराह का ना बहुत ही ज्यादा चोट आ जाता है, और चोट आने के दौरान बुमराह को भाई वर्ल्ड कप मिस करना पड़ेगा ऐसा मतलब खबर आ जाता है। तो इसी की वजह से बुमराह को स्क्वाड से बाहर कर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बुमराह को भाई स्क्वाड से बाहर कर देता है, और उसके बदले इंडियन मैनेजमेंट चाहता है कि दीपक चाहर को वो बुमराह की जगह पर रख दे, लेकिन वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद ही वापस से खबर आता है कि दीपक चाहर का भी चोट आ जाता है बैक इंजरी के दौरान, वो भी वर्ल्ड कप से छिटक जाता है। तो इसी की वजह से रिसेंट टाइम का जो खबर है, रिसेंट टाइम का जो न्यूज है कि मोहम्मद शमी को वो लोग तेज गेंदबाजी के लिए स्क्वाड में डाल देगा, मतलब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल देगा, और उस जगह पर मतलब मोहम्मद शमी की जगह पर स्टैंड बाय के रूप में आ जाएगा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। इन दोनों को अगर आप स्टैंड बाय के रूप में रख देते हो ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक भाई बेहतरीन तरीके से डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकता है, उसके साथ विकेट भी चटका सकता है, मतलब शार्दुल ठाकुर, और एक मतलब मोहम्मद सिराज जो कि भाई स्विंग का राजा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्विंग भी करवा सकता है, उसके साथ डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप स्टैंड बाय के रूप में रख सकते हो, लेकिन मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि मोहम्मद शमी का जो इंक्लूडेशन हुआ है ये एक बहुत ही बेहतर चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेहतर करेगा अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जसप्रीत बुमराह का ना होना एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है हमारा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो कि लीड एक्शन में रहता ना, मतलब वो नहीं होगा। देखो अगर डेफिनेटली बताऊं ना, जसप्रीत बुमराह एक बेस्ट चॉइस T20 गेंदबाज है हमारा इंडियन टीम के लिए, जो कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं रहेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी को चोटिल होना पड़ रहा है, जो खिलाड़ी भाई IPL में तो बहुत खेलता है, मतलब 15 के 15 मैच खेल जाता है, लेकिन इधर पर आकर ऐसा क्यों होता है, मतलब इंडियन टीम की ओर से जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तब चोटिल की हो जाता है। तो ये सब सोचना पड़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी बेहतर पेस बॉलिंग अटैक लेकर ही जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया का ठीक ठाक पेस बॉलिंग अटैक है, न्यूजीलैंड का ठीक ठाक पेस बॉलिंग अटैक है, आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका का भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा एक्सप्लॉइट हुआ है इंडिया पे आकर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर अलग रूप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा इंडियन टीम में जो फर्स्ट चॉइस मतलब चार तेज गेंदबाज होगा, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, और स्टैंड बाय के रूप में आपका मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। तो ये हो सकता है पेस बॉलिंग का टोटल गणित, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर से कमेंट कर बताओ, और इसके बाद भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो इंडियन टीम से जुड़ी हुई वीडियो आता रहेगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दो, ठीक है, बाय।